आगामी महिना 17 अप्रैल का दिन पर्न गएको रामनवमी पर्वलाई पालन गर्न हेतु कालेबुङमा एक संयुक्त आयोजक समिति गठन भएको छ। आज यहाँको श्यामादेवी भवनमा सम्पन्न एक सभाले रामनवमी पर्वलाई भव्यताका साथ पालन गर्न हेतु रामनवमी महोत्सव आयोजक समिति 2024 गठन गरेको छ। समितिमा हिन्दू सनातनी सङ्घ संगठन, विभिन्न धार्मिक स्थल एवं मठहरू अनि धर्मभीरु मानिसहरू सबैको सहभागिता रहेको छ, जसमा गोर्खा समुदाय, भोजपुरी समुदाय अनि मारवाडी समुदायका प्रतिनिधिहरू सामेल छन्। समितिका सचिव सुमन प्रधान, सल्लाहकार पूर्व शेर्पा, पार्वत्य भोजपुरी सङ्गठनका अध्यक्ष शशाङ्क चौरासिया, मारवाडी युवा मञ्चबाट विकास अग्रवाल अनि मङ्गलधाम प्रतिष्ठानबाट धर्मगुरु महावीर अग्रवाल आदिले यसपालिको रामनवमी महोत्सवलाई संयुक्त रूपमा धुमधामका साथ पालन गरिने तय गरिएको बताएका छन्। अवसरमा भुवन पी खनाल, सुनिता भुजेल लगायत अन्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। र विशेष यस च्यानल मार्फत यहाँहरू सबै सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आगामी 17 अप्रैल 2024 दिन हामी रामनवमी महोत्सव पालन गर्न गइरहेछौँ कालिम्पोङमा। अनि विशेष रूपले यो जुन महोत्सव योपालि यसपालिको जुन हाम्रो महोत्सव छ, यो हामी वृहत रूपमा कालिम्पोङ जिल्ला भरेको सम्पूर्ण मठ मन्दिर अनि सबै धार्मिक यस आस्थामा विश्वास राख्ने सबै हिन्दू सनातन धर्मको सबै सबैलाई हामीले आग्रह गरेको छौँ अनि उहाँहरू सबै सबैलाई मिलेर यो महोत्सव पालन गर्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु छ। नमस्कार, र हामी 2024 रामनवमी महोत्सव कमिटीको पक्षबाट सम्पूर्ण कालिम्पोङ जिल्ला भरिरहनुभएका सम्पूर्ण ईश्वर अनुरागी भगत भक्तजनहरूमा यो मिडिया मार्फत हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यसपालि रामनवमी जुन महोत्सव छ, यो कार्यक्रम बडो भव्यतापूर्वक हुन गइरहेको छ र आज एउटा ठुलो एउटा सभा, यो अन्तिम सभा पनि बस्यौँ र अहिले भर्खरै मात्र यो रामनवमी जन्म यो रामनवमी महोत्सव यस समितिको सचिवले पनि यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन् र फेरि पनि यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण भगवत भक्तजनहरूलाई यो सूचित गर्न चाहन्छौँ। जति पनि कालिम्पोङका आध्यात्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामी निमन्त्रणा दिएर आजको यस सभामा हामीले सबै कुराहरू पारित गऱ्यौँ र यसरी नै हामी यसपालि जोइन्ट भेन्चर एउटा समिति गठन गरेका छौँ र यसमा मारवाडी युवा मञ्च सँगसँगै भोजपुरी युवा मञ्च लगायत सम्पूर्ण मठ मन्दिर देवालयहरूका जति पनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू पनि यस समितिमा छन् र फेरि पनि तपाईँलाई सूचित गर्न चाहन्छौँ यो 2024 17 अप्रैलको दिन हुन गइरहेको यो रामनवमी महोत्सवमा प्रत्येक जति पनि हिन्दूअवलम्बी महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो उपस्थिति दिएर यस कार्यक्रमलाई बडो भव्यतापूर्वक तपाईँहरूले शोभा बढाइदिन भने हामी सम्पूर्ण समितिको पक्षबाट विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। सबके राम राम। हम शशाङ्क चौरसिया, पार्वती भोजपुरी युवा मञ्च प्रेसिडेन्ट। 17 अप्रैल 2024 जौन रामनवमी उत्सव मनावल जाइ ओकरा खातिर सबकराके घर से निकल के मेला ग्राउंड में 10 बजे तक पहुँचे के ओकरा बाद वजह से रामनवमी के जुलूस शुरू होई और सबकराके आके ई प्रोग्राम के एकदम भव्य रूप से सफल बनाए के बैठे। राम राम। हम रामनवमी के पावन अवसर पर 17 अप्रैल को हम सब मिलकर इस पावन त्यौहार को भव्य रूप से मनाने की आग्रह करते हैं सबसे। सब आए मिलजुल के जय श्री राम का नारा लगाएं। जय श्री राम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं मंगलधाम से गुरुजी प्रणामेशन ट्रस्ट महावीर अग्रवाल। ये रामनवमी पूर्व इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हम मिलजुल करके ये रामनवमी उत्सव को सफल बनाएं। ये हमारा मूल उद्देश्य है और सभी कास्ट की धर्म जाति सब छोड़ करके एक केवल राम भगवान की आराध्य मान करके
हम इसमें एकजुट होकर के संपूर्ण हिंदू जगत के जितने भी लोग हैं ये राष्ट्रव्यापी एक उत्सव मना रहे हैं, इसमें हम सब शामिल हैं और हम सब यहाँ पर कालिम्पोंग के जनता जनार्दन को, इसमें हिंदू तो हैं ही हैं, बुद्धिस्ट भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है और अन्य कोई जो क्रिश्चियन मुस्लिम में चले गए हैं, अगर वो भी भूले भटके अगर इसमें आना चाहते हैं तो वो भी आने के लिए हम आह्वान करते हैं, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, चेतना सबके अंदर में है, लेकिन देश काल परिस्थिति अनुसार हम अन्य अन्य में विभक्त हो गए, विभक्त ना होकर के हम एकजुट होकर के ये राम भगवान के इस पावन अवसर को, पावन उत्सव को और मनाने की बेस्ट कोशिश करें, हार्ट एंड सोल। प्रणाम।